आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Assertion: The human population represents the logistic curve. Reason: When the resources are limited, leading to competition between individuals and survival of fittest, the population tends to grow in logistic manner. दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, असर्शन और रीजन, और इनके बीच का रिलेशनशिप बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स, और अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो क्या ये जो रीजन है ये सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या फिर नहीं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है द ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये तब होता है जबकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज सच एज फूड एंड शेल्टर। तो यहां पर क्या होता है कि कॉम्पिटिशन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाती है, क्योंकि इनफाइनाइट फूड जो है वो नहीं है और इनफाइनाइट शेल्टर भी अभी नहीं है। रीजन कहता है द रिसोर्सेज आर लिमिटेड लीडिंग टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, द पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो इन अ लॉजिस्टिक मैनर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम एक कैरिंग कैपेसिटी तक ही ग्रो करेगी। यही मैक्सिमम लिमिट है किसी भी इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन का ग्रो करने का। इससे आगे अगर होगा तो वो जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। रीजन है कि इनफाइनाइट जो है फूड और शेल्टर अवेलेबल नहीं, इनफाइनाइट रिसोर्सेज अवेलेबल जो है नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हैं, और जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का। ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।